हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दक्ष कुमार और आप देख रहे हैं फिजिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होती है? अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, रियलिस्टिकली क्या होती है? एंड एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट वी एक्सपीरियंस। जो भी अगर हम किसी बॉडी में बैठे हैं या फिर हम खुद ही एक बॉडी हैं और अगर हम पे फोर्स लगे तो हम जो झटका या जर्क एक्सपीरियंस करते हैं या हम जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर में अगर कोई आदमी बैठा है और रोलर कोस्टर बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ रहा है या स्पीड लूज़ कर रहा है तो जो उस आदमी को फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है रोलर कोस्टर के मोशन की वजह से या फिर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रोलर कोस्टर की वजह से दैट इज़ व्हाट एक्सेलरेशन इज। ठीक है, मूविंग ऑन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स दैट वी एक्सपीरियंस। डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम यहीं पर देखें तो लेट्स से कि हमने डेल्टा टी टाइम इंटरवल कंसीडर किया और हमने ये मान लिया कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर डेल्टा वी इज़ द अमाउंट बाय विच वेलोसिटी चेंज हुई। डेल्टा वी मतलब फाइनली कितनी वेलोसिटी थी माइनस इनिशियल कितनी वेलोसिटी है। मैं आपको याद दिला दूं कि हम यहाँ पे वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने वेक्टर साइन नहीं लिखा है एंड हम सीधा वी एफ माइनस वी आई लिख सकते हैं। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी जो है डेल्टा वी उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दे देन वी गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, आई डोंट थिंक कोई इसमें डिसएग्री करेगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं हमारी तो आपको पता है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइप तो हम उसे दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? एवरेज एक्सेलरेशन होती है ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम कि लेट्स से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है बॉडी की क्या हुई, देन आई विल यूज द एवरेज एक्सेलरेशन डेफिनेशन, दैट इज दिस डेफिनेशन। बट अगर मुझे निकालनी है कि t इज इक्वल टू 5.5 सेकेंड पे क्या एक्सेलरेशन थी देन आई यूज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर आपको प्रीवियस वीडियो से पता चल ही गया होगा कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे यूज़ करेंगे कि हमें जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे, इतना छोटा करते जाएंगे कि हम इस डेल्टा को डी से रिप्लेस कर सकेंगे, जिसका मतलब होता है कि टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा है, नियरली इक्वल टू जीरो है, मतलब बहुत 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 छोटे टाइम इंटरवल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। और टाइम इंटरवल इतना छोटा होता है कि फाइनल और इनिशियल टाइम को हम इक्वल अज्यूम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा उससे। और दिस एनेबल्स अस कि हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की बात कर सकें। ठीक है, तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और आपको ये भी पता ही है प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो कि dv by dt जो हमने लिखा है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। राइट, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था, हमने ये भी एक चीज़ पढ़ी थी कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी जब लिखता हूँ तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ आप अभी आगे से याद रखिएगा कि अगर हम कभी भी एवरेज क्वांटिटी की बात करेंगे, लेट्स से एवरेज वेलोसिटी की, तो हम ऐसे वी लिख के वी के ऊपर एक बार लगा देंगे। और अगर हम सिर्फ वी लिखेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कन्वेंशन है जो आगे आपको हर जगह स्पेसिफाई नहीं की जाएगी लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आप याद रखेंगे। तो हमने पढ़ा था भाई वी इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना, प्रीवियस वीडियो से आपको समझ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी हेल्प से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। अब बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा आपको तब समझ आएगा जब हम एग्जांपल्स करेंगे। जब हम एग्जांपल्स करते हैं तो हमेशा जो हमारा वेलोसिटी का फंक्शन होता है वो हमेशा टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब कि अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस लगाना चाहेंगे इस फॉर्मूले से तो
तो क्या पता आपका आंसर शायद ना आए। तो इसके और तरीके होते हैं, ठीक है, और हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है फिलहाल कि मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को एक से ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख सकूं, और हम यही करेंगे। तो आगे मैं जो फॉर्मेट्स बताऊंगा वो आप प्लीज़ याद रखिएगा, वो बहुत यूज़ होगा आपके पूरे 2 साल आगे यूज़ होगा, इनफैक्ट पूरे लाइफ टाइम यूज़ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको फॉर्मेट चेंज करने के लिए जो वी है ना, हम वी की जगह ये लगा देते हैं, वी इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से रिप्लेस कर देते हैं हम इस वी को। तो क्या होता है कि डी बाई डी टी और वी की जगह डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं। इसको जब हम ओपन अप करते हैं तो ये बन जाता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट। ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस का स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस इसमें क्या हो रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट को 2 बारी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन को, एक्स एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नहीं पोजीशन है, तो हम पोजीशन को 2 बारी डिफरेंशिएट कर रहे हैं या उस पर 2 बारी डिफरेंशियल कैलकुलस लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि ये इंस्टेंटेनियस को हम पोजीशन के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस। इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी तो होता ही है, एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको एक नए फॉर्मेट में लिखा। अब मैं एक जादू करके दिखाता हूँ आपको, हम क्या करेंगे, हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम को एलिमिनेट करने से क्या होगा कि एक डिपेंडेंस होती थी टाइम पे वो हट जाएगी। तो अगर आपको कहीं आगे टाइम ना दिया हो और आप फंस जाएं किसी क्वेश्चन में, टाइम के बारे में जिक्र ही ना किया हो और एक्सेलरेशन की बात हो रही हो, तो आप फंस जाएंगे। अगर आपको लगे तो आप ये यूज़ कीजिएगा, आप बाहर निकल जाएंगे। हम क्या करते हैं कि डी वी बाई डी टी लेते हैं, इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसी के अंदर हम डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। हम डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है कि हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं कि हम इस डी एक्स बाई डी टी को अलग से लिख देते हैं और बाकी की चीज़ को अलग से लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिख देते हैं इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाता है। और डी एक्स बाई डी टी का हमें पता ही है यहाँ से कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी, तो हम उस डी एक्स बाई डी टी को वी से रिप्लेस कर देते हैं। तो वॉट डू वी गेट, वी फाइनली गेट ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ये तीनों के तीनों जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किए, वी डी वी बाई डी एक्स, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और डी वी बाई डी टी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसे तहे दिल से याद कर लें, क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एंड आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि सब आपको समझ आ गया होगा, लेट्स मूव ऑन। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि एक्सेलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल, तो एक्सेलरेशन वी टी कर्व के अंदर कंसिडर की जाती है। वी टी कर्व, वी टी ग्राफ के अंदर अगर एक कर्व ले लें तो उस कर्व पे हम कहीं पे भी स्लोप निकालना चाहें ना, अगर लेट्स से हमने इस पॉइंट पर स्लोप निकाला जो मैंने भी मार्क किया है, तो इस पॉइंट पर जो हमारा स्लोप आएगा यानी कि टैन थीटा आएगा, दैट विल बी इक्वल टू आर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर दिस पॉइंट, जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर जो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू स्लोप। तो ये अगर आपने स्लोप वाला लेक्चर पढ़ा है, जो शायद लेक्चर नंबर 2 है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या बोल दिया, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है कि अब आपको पता चल गया कि अगर आपको वी टी कर्व दिया हो तो आप सिर्फ स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, आगे जो हम बातें करेंगे ना उसमें एडवांस मैथमेटिक्स लगती है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स एडवांस मैथमेटिक्स लगती है। तो उसका प्रूफ आपको अभी नहीं मिलेगा बट आगे की वीडियोस में ज़रूर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप मेरे साथ डटे रहिए और बस मान लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। फिलहाल के लिए मान लीजिए, 2-4 वीडियोस के अंदर आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, आई गारंटी। अब हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि हम क्या करते हैं, पोजिशन टाइम का कर्व लेते हैं, 3 केसेस लेते हैं। और वो 3 केसेस कैसे हैं कि हम इन 3 केसेस के अंदर हम 3 कर्व बनाएंगे,
थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स बनाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं कि हम उन थ्री डिफरेंट कर्व्स की हेल्प से एक्सेलरेशन का नेचर बता सकते हैं। दैट्स राइट, यू हर्ड मी करेक्टली, हम एक्स टी कर्व से भी एक्सेलरेशन का नेचर बता सकते हैं। तो क्या होता है, तीनों केसेस लिखते हैं। तीनों केसेस क्या क्या होते हैं कि एक होता है ओपनिंग अपवर्ड कर्व, एक होता है ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व, और एक होता है स्ट्रेट लाइन। जब भी आप इन तीनों में से कोई केस एनकाउंटर हो तो आप देखिए, अगर एक्स टी कर्व दिया हुआ हो और एक्सेलरेशन के बारे में बात करी हो तो आप ये बता सकते हैं कर्व को देख के सिर्फ कि एक्सेलरेशन का क्या नेचर है, वो जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब भी ओपनिंग अपवर्ड कर्व होगा एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, जब भी ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व होगा एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और जब भी एक स्ट्रेट लाइन होगी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। मैं एक बात आपको याद दिला दूं, ये सिर्फ एक्स टी कर्व के लिए वैलिड है, वी टी कर्व के लिए नहीं। वी टी कर्व के अंदर पूरी कहानी अलग है। तो ये सिर्फ एक्स टी कर्व के लिए वैलिड है कि अगर एक्स टी कर्व में आपको इन तीनों में से कोई एक केस मिलेगा, और होगा भी यही कि इन तीनों में से कोई एक केस ही एग्जिस्ट कर सकेगा एक टाइम पे एक्सेलरेशन के लिए। तो आपको जो इन तीनों में से कर्व मिले आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा। ठीक है, इसका प्रूफ आपको आगे मिल जाएगा, अभी बस मान लीजिए कि जो कहा मैंने सही कहा। मूविंग ऑन, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। वो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि वी टी कर्व अगर हम कोई कंसिडर करें, जनरल वी टी कर्व, तो उसके अंदर जो एरिया होता है ना, वो एरिया हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि टाइम, इनिशियल टाइम क्या कंसिडर किया से लेके फाइनल हम किस टाइम इंटरवल की बात कर रहे थे, उस टाइम इंटरवल के अंदर अगर आप वी टी कर्व का एरिया निकालें तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा बॉडी का। ठीक है, इसका प्रूफ वैसे तो कैलकुलस इन्वॉल्व करता है, इसलिए मैं फ़िलहाल उसको डिस्कस नहीं कर रहा, वो जब मैं कैलकुलस के बारे में बात करूँगा तब बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग मान लीजिए कि दैट एरिया अंडर द वी टी कर्व इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि सही है फिलहाल के लिए, कर्व इसका प्रूफ आपको बाद में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ये आपको एक्चुअली मैथ्स में भी बहुत यूज़ आएगा। हम इसमें ना बात करते हैं शार्प किंग्स के बारे में। अगर आपको कभी भी एक कर्व मिले, कोई भी कर्व, और उसके अंदर आपको शार्प किंग्स मिले इन तरीकों की, ऐसी ऐसी या ऐसी, मतलब कर्व कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, फिर इस अब्रप्टली चेंज की डायरेक्शन बदल गई, क्या होता है कि किन्हीं भी शार्प पॉइंट्स पे, इनमें से किसी भी शार्प पॉइंट को अगर आप कंसिडर करें ना, जहाँ पे अचानक से एक एब्रप्ट चेंज आता है, वहाँ पे हम फंक्शन में डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं लगा सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं लगा सकते का क्या मतलब है? उसका मतलब कि वहाँ पे ये जो हमने चीज़ों की बात करी है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी वगैरह 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 वगैरह, ये सब किसी भी शार्प पॉइंट पे वैलिड नहीं होंगी। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई शार्प पॉइंट दे देना कर्व के अंदर, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हो सकता है कि यहाँ पे हमसे जो चीज़ के बारे में पूछा जा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ना करें, तो आप, या फिर डिफाइंड ना हो, एग्जिस्ट तो करेगी बट हो सकता है कि हम उसे डिफाइन ना कर सकें प्रॉपरली यूजिंग द सेम फार्मूला दैट वी यूज़। तो आप प्लीज़ इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि भाई जो हम निकालना चाह रहे हो वो ना निकल पाए जिस तरीके से हम यूजुअली निकालते हैं। ठीक है, इसका भी प्रूफ आपको आगे ही मिलेगा, डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट में आएगा इसका प्रूफ कि यहाँ पे हम डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी मैं कहता हूँ कि अभी प्लीज़ इसको मान लीजिए। रियलिस्टिकली अगर हम बात करें ना रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की, तो उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इतने अब्रप्टली नहीं आ सकते हैं। चेंजेस हमेशा कंटिन्यूअसली आएंगे, एंड ऐसे अब्रप्टली अचानक से इतने ज़ोरदार चेंजेस नहीं आएंगे कि भाई। तो इन रियल लाइफ सिनेरियोस यू वॉन्ट एवर एनकाउंटर सिचुएशंस लाइक दिस। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं आईआईटी जेई की या फिर नीट की, उसके अंदर तो हम कुछ कुछ भी सिचुएशन अज्यूम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चंस मिले उसके अंदर ऐसे सिचुएशंस बन जाए, तब
ताकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सके। ठीक, तो आपको डरना नहीं है, हम हर तरीके का क्वेश्चन हर चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आप कहीं पे भी अटके ना। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे रिजॉल्व करने की। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।